नमस्कार आदाब, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। कभी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कमजोर कहती थी। अब कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री कहा है। दुनिया में पीएम मोदी के इसराइल दौरे की चर्चा है, लेकिन इससे अलग कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके अमेरिकी दौरे पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के आधिकारिक ट्विटर पर दो तस्वीरें साझा की गईं, नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत में H-1B वीज़ा को लेकर बात न होना, और दूसरा अमेरिका के जारी बयान में भारत अधिकृत जम्मू कश्मीर कहे जाने पर कांग्रेस ने एतराज जताया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री भी कहा है। विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है, बयानों में ऐसा पहले भी कश्मीर के लिए कहा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमले किए। अखिलेश यादव और मायावती से आह्वान किया है लालू यादव ने कि अगर दोनों साथ दें तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा। स्पष्ट है एनडीए और यूपीए मिशन 2019 में जुट गए। जिस तरह से लोकसभा में मोदी लहर दिखी थी और बीजेपी अकेले ही 282 सीटों पर काबिज हो गई थी, उसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है। अब ऐसे में तमाम पार्टी एकजुटता की कोशिश कर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती। क्या होगा लोकसभा चुनाव में ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि कवायद तेज हो गई है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष कमजोर कौन। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से H-1B वीजा मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की, ये कहना है छुट्टी से लौटे राहुल गांधी का। राहुल ने एक ट्वीट करके मोदी की विदेश यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया है। राहुल छुट्टी से लौटे हैं और राहुल जब भी छुट्टी से लौटते हैं हमेशा नई ऊर्जा के साथ सरकार पर निशाना साधते हैं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लालू ने कहा है अखिलेश और मायावती एक साथ आते हैं तो 2019 में बीजेपी का गेम ओवर कर देंगे। लालू यही नहीं रुके और बिहार के गवर्नर रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने पर आश्चर्य जताया। रोजगार अच्छे दिन, शीर्ष बैंक के काला धन, बिजली, किसानों को लागत के चौगुना लाभ का सच बनाम पार दिखा करके नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठे और नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और वो सरकार बने 3 साल हो गया। राहुल का हमला, लालू का वार लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष ने नोटबंदी को मुद्दा बनाया, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, फिर GST को पहले तो सदन में समर्थन दिया, फिर सरकार के इसी फैसले का विरोध किया और अब मोदी की विदेश यात्रा पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मुद्दे कोई भी हो, लेकिन विपक्ष का उद्देश्य 2019 का लोकसभा चुनाव है। वहीं बीजेपी भी मिशन 2019 में जुटी हुई है। खैर, अब ज्यादा समय नहीं रहा आम चुनावों में। लालू के आह्वान पर पूरा विपक्ष फिर महागठबंधन करता है या फिर मोदी लहर इस बार भी चलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ वर्ल्ड। हो गई है 3 साल पूरे हो चुके हैं, अब शेष बचे जो 2 साल हैं उसमें से भी धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे हैं। मिशन 2019 करो या मरो का है विपक्ष के लिए।
इसलिए कि विपक्षी एकजुटता बनाए जाने की लगातार कोशिश की जाती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, वहाँ से कई तरह की ऊर्जा लाते हैं और एक उत्साह से भरे हुए वो नज़र आते हैं, ख़ास तौर से जब वो विदेश जाते हैं या वहाँ से लौटते हैं। कुछ यही हाल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का भी है। वो अभी छुट्टी मनाने गए थे नानी के घर, लौट कर आए हैं, तो शायद विपक्ष को भी अपनी उसी ऊर्जा के साथ नानी दादी कुछ याद दिलाना चाहते होंगे। और आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला किया। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता राकेश शर्मा, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा, आज राहुल गांधी ने अपने अधिकृत ट्विटर अकाउंट पर प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे हैं, उन पर सीधा हमला किया है, क्या कहेंगे? आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में अमेरिका और इजराइल के भ्रमण पर हैं। जब वे अमेरिका पहुंचे तो पूरे देश को ये उम्मीद थी कि देश के लिए कोई ताकत, देश के सम्मान के प्रति, देश के युवाओं के प्रति कोई रोजगार, और जो ट्रंप सरकार ने काम के लिए जाने वाले भारतीयों के लिए जो अस्थाई वीजा पर रोक लगाई है उस पर कुछ चर्चा करेंगे, उसका कुछ लाभ देश के नागरिकों को मिलेगा। पर जब वे वहां पहुंचे तो वहां एकदम उलट हमको देखने को मिला। ट्रंप जी से उन्होंने मुलाकात खूब करी, खूब वाहवाही लूटी। ट्रंप जी ने उनको एक तमगा दिया कि वे ना तो किसी गरीब के, ना आम जनता के, ना किसी और के नेता, बल्कि वे तो सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े नेता हैं। तो हमारे सोशल मीडिया के वो बड़े नेता जिनको ट्रंप जी ने सम्मानित तौर पर एक तमगा दिया है, उन्होंने ना युवाओं के लिए वहाँ कोई बात करी, अपितु हमारे देश का शीर्ष, हमारे देश का सम्मान जो हमारा अभिन्न अंग है कश्मीर, उस पर जब कश्मीर पर अमेरिका ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वह आपका अभिन्न अंग नहीं है बल्कि आपने उसे अपने अधिकार में ले रखा है, जो मेरे देश का अंग है, जो मेरा शीर्ष है, जो मेरा मस्तक है, जिससे जो मेरा अभिमान है, उसके कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ये मैं भी जानता हूं, मेरा हर देश का नागरिक जानता है, पूरा विश्व जानता है। उसको ट्रंप सरकार ने कहा कि उसको हिंदुस्तान ने कब्जा कर रखा है, जबकि ईमानदारी ये है कि हमारी 85 विधानसभा सीटों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर की, और आज भी हम असेंबली में, कश्मीर की असेंबली के अंदर उन 85 सीटों को रिक्त रखते हैं कि जिस दिन हम हमारा हिस्सा वापस ले लेंगे वहां हम चुनाव कराएंगे और वहां पर हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे और वे सदन में। तो सर, एक सवाल है मेरा आपसे। जी, बीते माह की बात है, अभी तो ताजा बातें इजराइल दौरे पर है प्रधानमंत्री जी, इजराइल पर राहुल गांधी ने कुछ कहा नहीं जी, और अमेरिका पर चले गए। नहीं, छुट्टी से लौटने के आने के बाद का जो समय है वो उस समय पीछे जो नहीं कह पाए वो कह रहे हैं। ट्विटर अकाउंट पर तो पहले भी कुछ कहा जा सकता था, कोई बयान देने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन पीछे की बात अब करना और अभी की बात ना करना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सही कहा आपने, पीछे की और अब की बात इसलिए नहीं है कि अमेरिका का दौरा कोई बहुत दिनों पुराना नहीं है, अभी पिछले महीने का है जी। सिर्फ एक दिन का या एक रात का समय बदलने से महीना और दिन को बदला का हिसाब नहीं लगाया जाता। अभी मोदी जी कुछ ही दिन हुए हैं और उसके बाद में सीधे इसराइल गए, और जो इसराइल वाली बात पे, उस पर हम बोले या नहीं बोले, आज उनको हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो स्वयं को मैं कहते हैं और दूसरे मैं माननीय मोदी जी को, एक मैंने दूसरे मैं को ये बता दिया
कि जहां पर आप घूमने जा रहे हैं वहां पर पहले मैं ही कुछ कर चुका हूं। उन्होंने आज एक ट्वीट करके बताया मोदी जी को कि मध्य प्रदेश पहले ही इसराइल से 3 महीने वहां पूर्व एक समझौता कर चुका है, ज्वाइंट रूप से संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के अंदर मालनपुर में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाने का समझौता कर चुका है, आप वहां क्या नया करने जा रहे हैं। तो इस तरह की बात से ये बात हमारे राहुल जी की बात को पूरा बल मिलता है कि जब उनके खुद के लोग और पूरा अमेरिका और पूरा विश्व उनकी कमजोरी, उनकी जो अक्षमता है उसको दर्शा रहा है, तो राहुल जी ने उस बात पे मोहर लगाई है कि हाँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर सिद्ध कर रहा है और हमारे देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचवा रहा है। राकेश शर्मा, रिजवान भाई, शायद राहुल गांधी जी अभी भी भूतकाल में ही जी रहे हैं। राहुल गांधी जी ये भूल जाते हैं, शायद उनकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है कि देश में अब यूपीए की सरकार नहीं रही है, एनडीए की सरकार रही है। वो जिस तरह से माननीय मनमोहन सिंह जी का अपमान करते थे, जिस तरह से उनके पास की वो बिलों को फाड़कर फेंकते थे, जिस तरह से उनके बारे में कुछ भी बयानबाजी टीवी पे करते थे, वो अभी भी उसी काल में जी रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस की एक बहुत वरिष्ठ नेता है शीला दीक्षित, जो 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, अभी उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें घोषित किया था। उनने राहुल गांधी को प्री मैच्योर बेबी कहा, जिसका दिमाग का विकास नहीं हो पाया। ये सर्टिफिकेट कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने दिया। उसके बाद एक कांग्रेस के मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनने कहा कि राहुल गांधी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। राकेश शर्मा, आप राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं कि उनके बयान पर बात करेंगे? देखिए, मैं आ रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बयान पर बात कर लें, दो मुद्दे उठाया राहुल गांधी ने। एक मुद्दा, जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत का अंग नहीं माना है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, एक बात, रिजवान भाई, मेरी एक बात का आप जवाब देंगे जी। हिंदुस्तान के जो वरिष्ठ पत्रकारों में उसमें आप शामिल हैं, रिजवान भाई, चाइना अगर कहे कि पूरा भारत हमारा है, भारत का कोई हिस्सा नहीं है, पूरी जमीन हमारी है, तो आप क्या चाइना के बयान पर जो चाइना ने कह दिया उसे मानेंगे? और ट्रंप कौन होते हैं कि भारत के बारे में ये निर्णय लेने वाले और ये कहने वाले कि कौन सा हिस्सा हमारा है, कौन सा हिस्सा नहीं है? भारत के प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री स्पष्ट किया है, भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उन्होंने कहा है। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहा है उनने, भारत के विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्रालय ने, कि हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, किसी की बात को नहीं मानते, जो हमारा देश निर्णय लेगा वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी को प्री मैच्योर कह चुके हैं, तो उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। मतलब आप उन्होंने जो कुछ कहा वो विषय गंभीर नहीं है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कह चुका हूं कि राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी गंभीरता से नहीं लेती तो उनके बयान को क्या लेंगे? और अमेरिका की बात की जाए तो आज के पेपर में ही खबर आई है और नेशनल चैनलों पे चल रहा है कि अमेरिका ने अपने एयरपोर्ट पे भारतीय जो लोग हैं उनकी जो चेकिंग होती है उससे छूट दी गई है। कहीं ना कहीं भारत के प्रति अमेरिका का रुख ये इससे दर्शाता है कि अमेरिका भारत के प्रति कितना संवेदना रखता है, नहीं तो अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए कितना सख्त है, ये रिजवान भाई किसी से छुपा नहीं। चल रिजवान भाई, एक चीज बता दूं, केवल कहा ही नहीं है, आपसे पूछूंगा पेपर में कश्मीर का मुद्दा दर्शाया, आपसे पूछूंगा आपसे। रमेश शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी लौट कर आए हैं, प्रधानमंत्री अभी विदेश में हैं, राहुल गांधी भी विदेश गए थे, और आजकल विदेश की धरतियों पर जो कुछ भी होता है हमारे देश में वो राजनीति, उसकी चर्चा भी बहुत अधिक होती है। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ये ठीक कह रहे हैं। अब भारत में काफ़ी कुछ स्वदेश की समस्याओं पर कम, विदेश की बातों पर ज़्यादा फोकस कर लिया, फोकस करते हैं जी। और ये जो दो बातें आई हैं, एक कश्मीर को के बारे में और H-1 वीजा के बारे में, तो एक बात पर तो कोई खास नहीं है, क्योंकि दो देश जब राष्ट्रनायक बात करते हैं तो दोनों देशों की सहमति से मुद्दे तय होते हैं। H-1 वीजा के मामले में चूंकि अमेरिका अपने नौजवानों को रोजगार के प्रति चिंतित है, तो स्वाभाविक रूप से उसने दुनिया के दूसरे लोगों को डिस्क्रेस किया है, उस तहत वो उसमें मुद्दा आता है। तो वो अगर H-1 पर कोई बात नहीं है,
वो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन कश्मीर पर अगर उन्होंने कहा है कि भारत अधिकृत कश्मीर, इस पर अगर भारत विरोध ना प्रकट करे तो कम से कम एक चिट्ठी अमेरिका को जरूर लिखना चाहिए। ये बात सही है कि इससे पहले भी अमेरिका और दूसरे देशों ने कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर ही कहा है, लेकिन अगर जो काम अब तक होते रहे हैं उसी को हम कह कर के संतोष कर लेंगे तो फिर लोगों ने चूंकि बहुत विश्वास के साथ नेतृत्व परिवर्तन किया है, सत्ता परिवर्तन किया है, नए नेतृत्व से कुछ नए प्रकार की आशाएं हैं, ऐसी स्थिति में भारत सरकार को एक पत्र तो अमेरिका को लिखना चाहिए कि वो कश्मीर भारत अधिकृत नहीं है और कश्मीर हमारा ही जिस तरीके से दूसरे प्रांत हैं उस तरीके से ही हमारा एक अंग है, ये उसमें लिखना चाहिए। तीसरी बात राहुल जी के बयान की बात है, तो राहुल जी चूँकि विपक्ष में रहते हैं तो विपक्ष के लोगों को इस तरह की बात कहना ही चाहिए, लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री की कमजोरी और मजबूती का प्रश्न है, निश्चित रूप से भारत का प्रधानमंत्री इस समय कमजोर बिल्कुल नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं जो अमेरिका में जाकर के भारतीय समूह को अगर ये कहता है कि हमें आंखों में आंख डाल करके बात करना चाहिए, जो लंदन के पैलेस में जाकर ये कहता है कि हमको आंखों में आंख डाल करके बात करना चाहिए, जिस व्यक्ति की पहल पर अगर सऊदी अरब मंदिर बनवा रहा है तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री कमजोर नहीं है। और जिस तरीके से देश के भीतर भी जो निर्णय हुए हैं, चाहे वो GST का फैसला हो, डिजिटल इंडिया का फैसला हो, नोटबंदी का फैसला, ये बड़े फैसले हैं, हिम्मत के फैसले हैं। आगे चल करके जनता इन फैसलों पर क्या रिएक्ट करती है ये तो भविष्य में है, लेकिन जिस दमदारी के साथ इंदिरा जी कभी फैसले लिया करती थी, नरेंद्र मोदी में वो दमदारी मुझे साफ दिखती है। अगर अभी तक लालू प्रसाद यादव ने सारे विपक्ष को एकजुट होने के लिए कहा है, खास तौर से कहा यही जाता है हमेशा कि उत्तर प्रदेश से होकर प्रधानमंत्री की कुर्सी गुजरती है, उत्तर प्रदेश में जिसको समर्थन मिला वो प्रधानमंत्री बना। लालू यादव ने मुलायम सिंह और मायावती को एकजुट होने का भी आह्वान किया है, देखिए तो उसको कैसे देखिए ये बात लालू यादव की राजनीतिक दृष्टि से ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर भारत का प्रजातांत्रिक इतिहास देखेंगे, जब भी विपक्ष किसी के खिलाफ भी एकजुट हुआ है केंद्र की सत्ता बदल गई है। अगर कांग्रेस के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होगा तो कांग्रेस की सत्ता बाहर हो गई, ठीक उसी प्रकार जनता पार्टी के खिलाफ शेष विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो वो सरकार बाहर हो गई। ठीक इसी प्रकार अगर आप अटल जी की सरकार के बाद के चुनाव देखें तो मैक्सिमम विपक्ष एक छतरी के नीचे था, तो स्वाभाविक रूप से अगर आप 2019 की जो तैयारी है उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव को भी देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से मोदी के चेहरे ने जितना काम किया या भाजपा कार्यकर्ताओं ने जितना काम किया उतना ही महत्वपूर्ण योगदान विपक्ष के वोटों का बंटवारा भी रहा है। तो अगर लालू जी ने ये अपील की है कि सारे विपक्ष एकजुट हो जाए तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ जरूर विपक्ष को मिलेगा और भाजपा को दिक्कत होगी। इतिहास है हमारा, जब भी विपक्ष एकजुट रहा है केंद्र की सत्तारूढ़ दल का परिवर्तन हुआ है। अगर आप मध्य प्रदेश के भी आंकड़े पिछले 2013 के देखें जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली, शिवराज जी का चेहरा लोकप्रिय था और आज भी है, लेकिन अगर आप देखें बसपा के 6% वोट और कांग्रेस के 36% वोट, ये कहीं ना कहीं भाजपा को मिले 42% वोटों के आसपास बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो उन्होंने अपील की है वो 2019 की तैयारी है, और अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो भाजपा ताकतवर बनी ही रहेगी। बिल्कुल दुर्गेश शर्मा। आदरणीय, सबसे पहले तो मैं रमेश जी ने वाला बहुत अच्छी बातें बोली, पर इंदिरा जी से जो तुलना है वो मुझे अतिशयोक्ति लगी है। इंदिरा जी से तुलना करना कोई अभी किसी ऐसा लेवल नहीं है। बाकी बात करिए कि मोदी जी के फैसले निर्णय, तो पूरे देश ने देखा कि GST देश भर में लागू किया और जम्मू कश्मीर में GST लागू नहीं किया। जम्मू कश्मीर के व्यापारी मांग कर रहे हैं कि वहाँ GST लागू करा जाए, क्योंकि वह यदि वहाँ से उस प्रांत से बाहर आके कहीं कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसमें GST लग जाएगा, उसके बाद में फिर उनको स्टेट टैक्स वगैरह भी पूरा निपटना पड़ेगा। तो उनकी मांग भी है, व्यापारियों की मांग भी है, और उस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमने अपने ही देश के उस अंग को, जिसको पाकिस्तान अमेरिका हमारा अंग नहीं बता रहा, वह उस हमारे उस चीज़ को जिसको जब मोदी जी अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति को झूला झूला रहे थे उस समय चीन ने जो नक्शा जारी किया था उसमें कश्मीर को हमारे से अलग बताया था। तो ऐसी घटनाएं एक बार नहीं कई बार हो चुकी हैं, ये हमारे लिए एक वाकई में विचारणीय प्रश्न। लेकिन ये तो विरासत में आपके दौर से मिला है दुर्गेश।
कश्मीर को हमारी विरासत में कभी भी हिंदुस्तान से अलग अंग किसी राष्ट्र ने नहीं दिखाया। कभी भी चाइना ने कोई ऐसा नक्शा जारी नहीं किया जिसमें कश्मीर को हिंदुस्तान के अंग से अलग दिखाया हो। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री महोदय वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के संग में बैठक कर रहे हो और हमारे उपराष्ट्रपति चाइना में बैठे हों और वो नक्शा जारी करते हों और उसमें दिखाते हैं कि कश्मीर हमारा अंग नहीं है, फिर आज यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जा रहे हैं और वहां पर वो डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं कि पाक कश्मीर अधिकृत हिंदुस्तान, ये भारत अधिकृत कश्मीर ये जो कि ईमानदारी है कि भारत का जो कश्मीर का एक छोटा सा अरे लालू यादव के बयान पर कुछ कहेंगे दुर्गेश जी, वक्त की कमी है। लालू प्रसाद यादव जी का बयान राजनीतिक पृष्ठभूमि से बिल्कुल सही है, जो आज के देश की क्या उम्मीद करते हैं आप, कर रहे हैं सब इकट्ठे हो जाएंगे, नीतीश ही छिटके छिटके से जा रहे हैं, लालू यादव ये बाकी तो सबसे आह्वान कर रहे हैं। नहीं, आने वाला समय है, धीरे धीरे चुनाव की राजनीति एक चुनाव के दौरान होती है। आज यदि राहुल गांधी जी का ट्वीट भी है तो वह ना चुनाव की राजनीति है बस कि हमारे देश का जो सम्मान कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है या उसको जो धूमिल करने की प्रयास किया जा रहा है विश्व में, उसका जवाब है राहुल गांधी जी का कि मोदी जी को वहाँ जवाब देना चाहिए। और चुनाव के लिए कोई भी रणनीति बने, विपक्ष एक होकर रणनीति बनाएगा। रमेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, राकेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब बस सवाल यही है कि कोई कहता है तुम बहुत कमजोर हो, कोई कहता है तुम बहुत कमजोर हो, और एक दूसरे को कमजोर ठहराने के चक्कर में कहीं देश कमजोर ना हो जाए। देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें एकजुट होना चाहिए, आम राय से बहुत कुछ होना चाहिए, खासतौर से विदेश नीति जैसी चीजें, उसमें अगर सबका समर्थन हासिल हो जाए तो क्या कहना। लेकिन लगातार देखने में यही आ रहा है कि विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ता और सरकार विपक्ष पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं है। और क्या देश के मसले हों, उसके बजाय ज़्यादातर विदेशों के मसलों पर चर्चा होती है। प्रधानमंत्री इसराइल में हैं, बहुत तरह की बातें हैं, उस पर भी कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन सब के बीच देश के मुद्दे कहीं खो गए हैं और जो आम दिनों आम लोगों के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है, चिंतन भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।